दोस्तों, बाल झड़ना इन दिनों काफी बड़ी समस्या हो गई है। एक उम्र के बाद बाल झड़े तो यह समस्या सामान्य लगती है, लेकिन इन दिनों युवावस्था व किशोरावस्था में भी बाल झड़ने की समस्या देखने को मिल रही है, जो एक परेशानी का कारण बन चुका है। कम उम्र में बाल झड़ना इन दिनों लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही उनके बाल झड़े तो आगे चलकर और भी ज्यादा परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में हमें अपने बाल को झड़ने का मूल कारण जानने की जरूरत पड़ती है, ताकि बाल झड़ने का सही कारण जानकर हम इसका सही उपचार कर सके। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कम उम्र में बाल झड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, ताकि आप अपनी इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कर सके। तो चलिए जानते हैं कि कम उम्र में बाल क्यों झड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक हार्मोनल्स में कई सारे बदलाव होते हैं, जिसके कारण नींद की कमी, अत्यधिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में अगर हम बालों का खास ख्याल न रखें तो आपके बाल भी झड़ने लगते हैं। इसके अलावा कई अन्य कारण होते हैं जिसके कारण भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, जैसे अनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। नंबर वन, हार्मोनल बदलाव। डॉक्टर्स का कहना है कि टीन एज में शरीर में कई तरह के हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बाल झड़ने भी लगते हैं। बालों के विकास को नियंत्रित करने में थायराइड और प्रजनन हार्मोन्स का विशेष योगदान होता है। अगर इन दोनों हार्मोन्स में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो युवा और किशोरावस्था में आपके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इन दिनों कम उम्र के ही लोग थायराइड असंतुलन के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण कम उम्र में ही बाल झड़ने की समस्या व इसके साथ कई अन्य समस्याएं भी लोगों को घेर लेती हैं। और कम उम्र की महिलाएं PCOS से संबंधित बीमारी की शिकार हो रही हैं, तो किशोर अवस्था में बाल झड़ने की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। नंबर टू, ज्यादा दवाइयों के सेवन से। दोस्तों, किशोर अवस्था के दौरान कई तरह के हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण शरीर में कई तरह की समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन का यूज करते हैं, तो उनके बाल भी झड़ने लगते हैं। कुछ लोग पिंपल से बचने के लिए दवाइयों का सेवन करते हैं, तो कुछ लोग इसके साथ कई सारी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं जो उनके शरीर पर गलत इफेक्ट डालती है, इसलिए भी आपके बाल झड़ सकते हैं। नंबर थ्री, ट्रैक्शन एलोपेशिया का कारण। दोस्तों, ट्रैक्शन एलोपेशिया का अर्थ है बालों पर अधिक खिंचाव होना। अगर किसी कारण से आपके बालों पर काफ़ी ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो आपके बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। जैसे ट्रैक्शन एलोपेशिया उन लोगों में अधिक होता है जो लंबे समय तक हेलमेट, बैनमन बैंड्स, ओवरहेड ईयरफोन का अधिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बालों को लंबे करने के लिए कुछ ऐसे हेयर स्टाइल भी अपनाते हैं जिससे बालों पे खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण भी बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। नंबर फोर, स्ट्रेस बढ़ाना। दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है कि किशोर अवस्था में लोगों पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, खासतौर पर इन दिनों पढ़ाई से लेकर खेल कूद स्पर्धा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण कम उम्र में ही लोग काफी ज्यादा तनाव में रहने लगे हैं। मानसिक तनाव के बढ़ने के कारण बालों का झड़ना सामान्य हो गया है। अगर आप बाल झड़ने की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको अपने खुद से स्ट्रेस को दूर करना होगा। नंबर फाइव, हेयर स्टाइलिंग टूल का अधिक इस्तेमाल। दोस्तों, इन दिनों लोग अपने लुक को बेहतर करने के लिए कई तरह के हेयर स्टाइल आजमा रहे हैं, लेकिन इन टूल्स के इस्तेमाल से आपके बालों को भी नुकसान पहुंचता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा बार बार इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल भी झड़ने लगते हैं। नंबर सिक्स, पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। इन दिनों लोग रिफाइंड आटा, चीनी और अन्य ऐसे चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो सेहत के लिए अनहेल्दी माने जाते हैं। ऐसी चीजों के सेवन से भारी पोषक तत्वों की कमी होती है। अगर आप ऐसी चीजों का सेवन करते हैं तो आपके बाल कम उम्र में भी झड़ने लग सकते हैं। साथ ही इसमें बच्चों को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा शरीर में आयरन की कमी, विटामिन सी, कैल्शियम और प्रोटीन की भी कमी
देखने को मिलती है। इस कारण भी आपके बाल के झड़ने की समस्या बन सकती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके कारण बाल कम समय में ही झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इनके कुछ कारणों के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इनका उपचार हम किस तरह से करें जिससे कि हमारे बाल फिर से उग आए या फिर जो जितने भी बाल हैं वो हमारे बाल बरकरार रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।